तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बाकेल और डकारू का दूसरा और अंतिम भाग। मुखिया खू खां ने आदेश दिया, इन दोनों को शबरी बाग के फल चुराकर खाने के दंड के रूप में हमें मृत्यु दंड देते, पर चूंकि ये दोनों बहादुर हैं और हम बहादुरों को बहादुरी की ही मौत देने के पक्ष में हैं, अतः ये दोनों अब से शबरी बाग के फलों की रखवाली और सिंचाई का कार्य करेंगे, और अगर इसी बीच डकारू ने तुम पर आक्रमण किया तो इन दोनों को ही सर्वप्रथम उनसे युद्ध करना होगा। क्या? यह सुनते ही बांकेलाल क्रोध से कांप उठा। बेटे मुखिया खूंखा, तुझे भी मजा ना चखाए तो मेरा नाम बांकेलाल नहीं। ले जाओ दोनों को शबरी बाग में, और अगर ये फरार होने की चेष्टा करें तो इन्हें वहीं घेर कर खत्म कर देना। कौन किसे खत्म करेगा ये तो समय ही बताएगा बेटे मुखिया खूंखा। बाके इस संकट से बचने की कोई ना कोई तरकीब अवश्य सोच रहा होगा। उधर डकारू बस्ती में, वे तो थे और तुम तीन, फिर भी खाली हाथ वापस आ गए। ओ ओ तांबा, डकारू का नाम पूरा ही मिट्टी में मिला दिए ये तीनों, अब इनको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे ओ तांबा, कितनी धार है तेरी तलवार की, बहुत तेज सरदार। खचाक, जो डर गया समझो मर गया। शरदपुर में कब है रे तांबा? कल ही सरदार। कल हम चलेंगे लंगूरपुरी, अब बहुत डकार आता है रे। हा, हा, हा। शबरी बाग के फल खाएंगे तो कुछ चैन मिलेगा। अब उधर बांकेलाल विक्रम सिंह को लेकर लंगूर सैनिक शबरी बाग में एक वृक्ष के सामने पहुंचे। तुम दोनों को इसी एक वृक्ष की सिंचाई पर अधिक ध्यान देना होगा। सिर्फ एक वृक्ष की सिंचाई? हाँ, क्योंकि दरअसल यही एकमात्र अमृत फल का वृक्ष है, शेष सभी विष वृक्ष हैं। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो जो तुमने इसी वृक्ष के फल खाए, अगर दूसरे किसी वृक्ष के फल खा लेते तो विष के प्रभाव से तुम तुरंत बूढ़े कमजोर होकर शीघ्र ही मर जाते। क्या? किंतु अगर इन अमृत फलों को कोई नहीं खा सकता तो फिर क्या ये फल केवल देखने के लिए उगाए गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा की रात को महर्षि उधेड़बुन यहाँ आते हैं, और तब बजरंग बली की आराधना के पश्चात ये फल सभी लंगूर वासियों में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। इस वृक्ष की ये विशेषता है कि जितने फल तोड़ो उतने ही और उगाते हैं, और इन फलों को ग्रहण करने से प्राणी कभी बूढ़ा नहीं होता, इसलिए इस फल को शरद पूर्णिमा से पूर्व ग्रहण करना वर्जित है, जिसके लिए हमारे कानून में केवल मृत्यु दंड है। लेकिन सैनिक जी, डकारू तो खुद शक्तिशाली है, फिर वह स्वयं आकर ही बाग पर कब्जा क्यों नहीं कर लेता? इसलिए क्योंकि वह विष वृक्ष और अमृत वृक्ष में अंतर नहीं कर पाता। विष फल खाने से डकारू वासी बूढ़े तो नहीं होते, लेकिन उनका हाजमा और अधिक खराब हो जाता है, और वे भयंकर डकारों से आसमान गुजा देते हैं, जबकि अमृत फल खाकर वे अधिक डकारों से बचे रहते हैं। अगली शरद पूर्णिमा की रात कब होगी सैनिक जी? कल ही। किंतु तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? चुपचाप अपने काम में लग जाओ। वाह, अब इन लंगूरों का मजा चखाने की तरकीब सूझ रही है मुझे। बांकेलाल विक्रम सिंह उस वृक्ष की सिंचाई व देखभाल में लग गए। ऐसी सिंचाई करूंगा इस वृक्ष की कि कल रात पता चलेगी इस वृक्ष के फलों की मिठास। बुरे फंसे लंगूरपुरी आकर उसी रात, ओह सारे लंगूर सैनिक उंग रहे हैं, यही उचित अवसर है। बांकेलाल तुरंत एक विष वृक्ष पर चढ़ गया। इन विष फलों को पीसकर इनका रस अब आएगा मजा। फिर प्रातः ही, बांकेलाल तुम वृक्ष पर चढ़े क्या कर रहे हो? ओह सैनिक, जल छिड़क कर इन वृक्षों पर जमी धूल साफ कर रहा हूं सैनिक जी। ओह अच्छा अच्छा, पर बांकेलाल तो अपनी खिचड़ी अलग ही पका रहा था। इस फव्वारे में मेरा विष फलों का रस जब इन अमृत फलों का स्पर्श करेगा तो और जब ये सभी लंगूर बूढ़े व कमजोर होकर शीघ्र ही मर जाएंगे तो इस अमृत वृक्ष पर केवल मेरा अधिकार होगा, और इन्हें खाकर मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। और जब मैं डकारू को कई टोकरे अमृत फल के उपहार स्वरूप दूंगा तो अवश्य मुझसे प्रसन्न होकर मेरा अहित नहीं करेगा। उसी शाम, बांकेलाल मेरा तो दिल घबरा रहा है, डकारू कभी भी यहां आ सकता है। आप बेफिक्र रहे महाराज, मेरे रहते आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। बांकेलाल विक्रम सिंह, जल्दी से अमृत फलों के 10 टोकरे लेकर बजरंग बली के पूजा स्थल पर पहुंचा दो, महर्षि उधेड़बुन भी बस पहुंचने वाले हैं। इधर महर्षि उधेड़बुन भी आ पहुंचे। महर्षि उधेड़बुन जिंदाबाद। मुखिया खोखा, आज पूजा स्थल पर इतनी सैनिक व्यवस्था क्यों? आज डकारू लंगूरपुरी पर अवश्य आक्रमण करेगा महर्षि। डकारू पर उसे तो हमने कैद कर लिया था, वह कैद से छूट गया महर्षि। यही नहीं, बाकेल और विक्रम सिंह नाम के इन मूर्खों ने डकारुओं के तीन शैतानों पर हाथ उठाकर डकारुओं से दुश्मनी ले ली है। आज शरद पूर्णिमा की रात है, डकारू अवश्य आक्रमण करेगा महर्षि। ओह, मैं अपनी सिद्ध शक्तियों का इस्तेमाल 10 वर्षों में केवल एक बार ही कर सकता हूँ, और डकारू को एक बार कैद करके मैंने उस शक्ति का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन डकारू मेरी कैद से स्वतंत्र कैसे हो गया, मैं अभी इस बात का पता लगाता हूँ।
ओह, तो इसी बाकेलाल के कारण ही टकारू मेरी कैसे छूट निकला है। दूसरे ही पल महर्षि उदयभिंड ने क्रोध में आकर आदेश दिया, इन दोनों को पकड़कर बांध दो, डकारू इन्हीं के कारण मेरी कैद से निकल भागा है। उफ, अरे मगर लंगूर सैनिकों ने दोनों को तुरंत बांध दिया। इस प्रकार आरंभ हुई पूजा। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। उफ, कमबख्तों ने कितना कसकर बांधा है, पर मेरा नाम भी बांके लाले बेटा लंगूरों, जरा फलों का प्रसाद तो चख लो, तब पता चलेगा तुम्हें भी। फलों का प्रसाद बांटा जाने लगा। प्रसाद ग्रहण करो पुत्र, अवश्य महर्षि। और तभी सावधान, डकारू आ रहा है। महर्षि महर्षि, डकारू अपने कई डकारों के साथ आ रहा है। सुनिए, डकारों के डकारों से आसमान गूंज रहा है। मर गए, इस कंबकट डकारू को भी अभी आना था, अभी तो इन नामुरादों ने फल ग्रहण भी नहीं किए। मर गए, डकारू अब नहीं छोड़ेगा वह हमें। मर गए, डकारू अब नहीं छोड़ेगा वह हमें। महर्षि ने चिल्लाकर आदेश दिया, डकारू अगर लंगूरपुरी में प्रवेश करने से रोको, जाओ मारो 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 मारो। उधर से डकारू अपनी सेना के साथ बड़ा चला आ रहा था। और आज उस महर्षि उदयभिंड को भी मजा चखाऊंगा, जिसने मुझे सड़े अंडे में बंद किया था। आम आगे बढ़ो और घेर लो पूरी लंगूरपुरी को, किंतु ध्यान रहे मुखिया सहित सब लंगूरों को जीवित ही पकड़ना है, वरना हम अमृत फल की पहचान नहीं कर सकेंगे। इधर से डकारू की भीड़, उधर से लंगूरों की सेना आगे बढ़ी और छिड़ गया युद्ध। मारो काटो, सरदार डकारू से, कैसे जीतोगे बच्चे, आओ बचाओ। एक भी डकारू बचकर ना जाने पान, आओ बचा मेरा बार। उफ, शीघ्री, हा 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 हा, आ मैं मर गया, आए मेरी कमर। तभी डकारू चीख पड़ा, सरदार सरदार अमृत फल। अमृत फल, ओहो निसंदेह अमृत फल ही है, टूट पड़ो इन फलों पर। अब क्यों महर्षि उदयभिंड, अब जब तक हम और हमारे साथी ये फल चबाएंगे तब तक तेरी सांस चलेगी। अब ये फल खत्म होंगे और इधर तू खत्म होगा। अब नहीं सरदार, अमृत फल। उफ, ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली, वे फल तो सभी टकारू खा रहे हैं। कचर पचर की आवाजों से वातावरण गूंज उठा, कचर पचर कचर पचर। चबर चबर, वाह मजा आ गया। अरे अचानक चौंक पड़ा सरदार डकारू, ये दोनों तो वही हैं, मेरे अज्ञात मददगार। मर गए मददगार, तुम्हें किसने बांधा, मैं बिना डकार लिए हजम कर जाऊंगा उसे। ये सब क्या हो रहा है प्रभु, हम इसके मददगार कैसे हो गए। अगर तुम पत्थर फेंक कर वो अंडा ना तोड़ते तो मैं उस सड़े अंडे की बदबू से अब तक मर खप गया होता। बोलो किसने बांधा तुम्हें। ओह ये चक्कर है, महर्षि उदयभिंड, और अब मैं इस महर्षि उदयभिंड को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसी ने मुझे भी सड़े अंडे में बंद किया था। किंतु इससे पूर्व भी वह महर्षि उदयभिंड का कोई अहित कर सकता। ये क्या, वातावरण भयंकर किस्म के डकारों से गूंज उठा। धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है, अमृत फल के स्थान पर ये तो। अरे इन डकारों को क्या हुआ, ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन्होंने विष फल खा लिए, किंतु ये तो ये अमृत फल ही, इसमें जरूर कोई रहस्य है, अब खुली पोल मेरी। फिर अचानक ही वातावरण में शांति छा गई, असंख्य फल खा जाने के कारण हुई भयानक बदहजमी से डकार मारते मारते सब डकारों के प्राण निकल गए। तभी महर्षि, हम सबके प्राण बाकेलाल के कारण बचे हैं। बाकेलाल के कारण, बाकेलाल के कारण, मैंने बाकेलाल को अमृत वक्त पर चढ़े अमृत समय पर जल छिड़कते हुए देखा था महर्षि। ओ बाकेलाल, क्या ये सच है, अगर हाँ तो क्या फलों पर तुमने जल ही छिड़का था। अब सच बोलकर ही जान बचेगी। यह सोचकर बाकेलाल शीघ्रता के साथ बोला, नहीं महर्षि, वह जल नहीं बल्कि विष फलों का रस था। मुझे जैसे ही आज की रात डकारुओं के आक्रमण की बात पता चली, मैंने जल्दी में उनसे निपटने की योजना बना डाली, और वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अगर मुझे पता होता कि डकारू को कैद से निकालकर अनजाने में हम उसके मददगार गवर्नर बन गए हैं, तो डकारुओं के साथ मिलकर मैं तो इन लंगूरों को वो सबक सिखाता कि ओ, और हमने तुम्हें इतनी देर तक बांधे रखा। बाकेलाल हमें क्षमा कर दो, कृपया क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। वाह मेरा बांके, तो बाकी ने तो कमाल कर दिया। और फिर मेरा प्यारा बाकेलाल, जिसकी योजना कभी सफल असफल नहीं गई, आह गले लग जा। बोलो बाकेलाल की जय। तभी अचानक, तो पाठकों हमेशा की तरह आज भी हम ये रहस्य नहीं खोलेंगे कि दोनों गायब होकर अगली बार कहां पहुंचेंगे। इंतजार कीजिए
अगली कॉमिक्स का। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल की अगली कॉमिक बाकेलाल वानर लोक में। तब तक के लिए धन्यवाद।